मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किन्नर की गणना ना तो नर में और ना ही नारी में होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। परंतु क्या आपको ये पता है कि सृष्टि का सबसे पहला किन्नर कौन था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया। योग द्वारा इंसानों और जीवों को उत्पन्न करने में काफी समय लग रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए भगवान के इस रूप में शंकर जी ना तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और ना ही पूर्ण स्त्री। अर्धनारीश्वर रूप में जहां सृष्टि में स्त्री रूप का जन्म हुआ, वहीं किन्नर की भी परिकल्पना हुई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ही किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। बता दें कि किन्नरों को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित कथा भगवान राम के वनगमन से संबंधित है। हुआ ये कि जब भरत प्रभु राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तब सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ चित्रकूट आए थे। अयोध्या के लोगों के विनय को अस्वीकार करते हुए भगवान राम ने सभी स्त्री पुरुष को वापस नगर लौट जाने के लिए कहा, परंतु उनके संबोधन में किन्नरों का नाम नहीं था। किंतु किन्नर 14 वर्ष तक प्रभु रामचंद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। वापसी पर जब भगवान राम उन्हें मिले, तब उनकी निश्चल और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम जिन्हें आशीर्वाद दे दोगे, उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। दूसरी कथा ये थी कि महाभारत के अनुसार कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल तक वनवास और 1 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा था। अज्ञातवास के समय सभी पांडवों ने अपना नाम और पहचान छिपाई थी। इस दौरान अर्जुन राजा विराट के महल में ब्रह्मला यानी किन्नर के रूप में रहे। अर्जुन किन्नर कैसे बने, इसके पीछे एक कथा है। हुआ ये कि जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन माधव यानी भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। तब प्रभु ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के समय तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम देवताओं को प्रसन्न करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन तपस्या करने निकल पड़े। भगवान भोलेनाथ ने एक भील का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली और अभिभूत होकर उसे कई दिव्यास्त्र प्रदान किए। इन सब बातों से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में आमंत्रित किया, जिसके बाद स्वर्ग में भी देवताओं ने अर्जुन को कई दिव्यास्त्र दिए। तब भगवान इंद्र ने अर्जुन को संगीत और नृत्य सिखाने के लिए चित्रसेन के पास भेजा। चित्रसेन ने भगवान का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। और वहीं जब अर्जुन संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे, तब देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन के सामने प्रणय निवेदन किया, लेकिन पुरुवंश की जननी होने के चलते अर्जुन ने उन्हें माता के समान बताया। ये बात सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उसने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनने का श्राप दे दिया। जब ये बात अर्जुन ने भगवान इंद्र को बताई, तो उन्होंने कहा कि ये श्राप अज्ञातवास के दौरान वरदान का काम करेगा। श्राप के मुताबिक अज्ञातवास के दिनों में अर्जुन किन्नर के रूप में ही एक राजकुमारी की शिक्षिका बनकर रह रहे थे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह नपुंसक माना जाता है, इसलिए हिजड़ों में बुध ग्रह का वास माना गया है। यही कारण है कि बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए किन्नरों का ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व दिया गया है। इनकी उत्पत्ति के विषय में और भी 2 धारणाएं आती हैं। पहली, किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया या उनके पैर के अंगूठे से हुई है। दूसरी, अरिष्टा और कश्यप उनके आदि जनक पिता थे। बता दें कि हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान स्थान माना जाता है। वहां वे भगवान भोले की सेवा करते थे और तो और उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था। इतना ही नहीं, ये यक्षों और गंधर्वों की तरह नृत्य और संगीत में निपुण हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार ये श्री कृष्ण का दर्शन करने द्वारका भी गए थे। भीम ने शांति पर्व में वर्णन किया है कि किन्नर बहुत सदाचारी होते हैं। और तो और, महाकवि कालिदास के अमर ग्रंथ कुमार संभव के प्रथम सर्ग के श्लोक 11 और 14 में भी किन्नरों का मनोहारी वर्णन है।
इसके अलावा अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने अपने शोध ग्रंथों, यात्रा पुस्तकों, आलेखों और कविताओं में किन्नर देश और किन्नौर में रहने वाले किन्नर जनजाति का उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है और पूर्व में मुसलमान शासकों द्वारा अपने रानियों की पहरेदारी के लिए किन्नरों को रखने के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में आदिकाल से त्रेता युग के रामायण और द्वापर युग के महाभारत में भी किन्नरों के सामाजिक उपस्थिति के सबूत मिलने के बाद भी व्यक्ति के रूप में समाज उन्हें उचित स्थान नहीं दे सका है। जब से दुनिया की रचना हुई है तब से इस सृष्टि में किन्नर मौजूद हैं, जिसका उल्लेख कई पुराणों और पौराणिक कथाओं में किया गया है। आज भी हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श अपरिपक्व अवस्था में है। लोग अभी भी उन्हें इस समाज का हिस्सा नहीं मानते और आम जन ने कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि किन्नरों को क्या और कैसा महसूस होता है। आपको ये भी बता दें कि किन्नरों के कुछ वर्ग भी होते हैं। जी हाँ, उन्हें चार वर्गों में बांटा गया है, बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय को संरचना की दृष्टि से 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के प्रधान को नायक कहा जाता है। ये सभी नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत के शिखंडी को भी इसी समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि भारत के इस राज्य में किन्नरों का उत्सव मनाया जाता है। विल्लुपुर जिले के कुवगम गांव में अरावन देवता का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है। कुवगम गांव में हर साल तमिल नए साल की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है। इसमें देश भर और विदेशों से किन्नर आते हैं। पहले 16 दिनों तक काफी नाच गाना होता है और हर्षोल्लास के साथ शादी की तैयारी करते हैं। 17वें दिन पंडित जी द्वारा खास पूजा होती है, जिसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुजारी ईश्वर की तरफ से किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। वह सभी देवता अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं और अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कुवगम गांव में अरावन की मूर्ति को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने हिजड़े अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर कई सारे श्रृंगार को भी बिगाड़ देते हैं, फिर सफेद कपड़े पहन लेते हैं और बहुत रोते हैं, जिसके साथ ही इस उत्सव का समापन हो जाता है। तो मित्रों, आपने जानी किन्नरों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।